ओके, यहाँ से हमने एक न्यू फाइल ले ली और उसके अंदर हमने अपना सेव कर लिया फाइल को। ओके, यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर ए इज इक्वल टू वन। ओके, अब ए की वैल्यू चेक करते रहेंगे हम, ठीक है, और साथ साथ न्यू लाइन भी लगाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ रही है देखते रहें आप, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है वन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस प्लस और देयर आफ्टर मैं ए की वैल्यू का आउटपुट ले रहा हूँ। सही है, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं अब बोलेंगे सर फर्क क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ भाई, फर्क क्यों नहीं पड़ा, यहाँ ए की वैल्यू वन थी, यहाँ पे वन आ गया। यहाँ पे ए की वैल्यू को जब यहाँ पहुंचा तो उसको क्या थी, वन। आगे देखा भाई प्लस प्लस, वन प्लस कर दो, तो उसने क्या किया, ए की जो जो भी वैल्यू थी, ए की वैल्यू जो भी थी उसमें ए को प्लस कर दिया वन के साथ। ए की वैल्यू क्या थी वन, प्लस कितने हुए, हो गई टू, और ए पे असाइन कर दिया। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, टू, तो आउटपुट टू दिखा दिया। फिर आगे गए, फिर उसने यही काम किया कि फिर इसी काम को उसने दोबारा से ही कर दिया कि जो भी ए की वैल्यू थी उसमें क्या प्लस किया, तो ए की वैल्यू यहाँ टू थी, टू में वन प्लस हो कितने हो गए, और फिर किसको असाइन कर दिया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई। तो फिर ऐसे और ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे और ऐसे लिखने की क्या जरूरत है। अच्छा देखिए, अब यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे जाके अब यहां पर क्या आउटपुट आना चाहिए ए की वैल्यू का, हाँ मतलब वन टू, टू आना चाहिए आउटपुट। क्या अभी तो यहां जल्दी से बता दिया था थ्री हो जाएगी यहां पे, अब जब यहां पे मैंने लिख दिया प्लस प्लस तो कह रहा पता नहीं क्या आएगा, टू ही आएगा। ओके, ये क्या हो गया अभी, फोर हो गया, प्रोग्राम खराब तो नहीं हो गया हमारा। अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ए की वैल्यू क्या हो गई, वन, वन आउटपुट आ गया। फिर ए की वैल्यू क्या हो गई, टू, टू हो गई ना। तो यहां पर आउटपुट पहले आ रहा था टू जब मैंने सेटिंग लिखा था, लेकिन जब मैंने इसके साथ यहां पे प्लस प्लस लगा दिया तो यहां पे आउटपुट हो रहा था फोर, अब थ्री हो गया। अरे ये आगे भी तो लिखे हुए हैं, इनको तो पढ़ लो, इसको डिसेबल कर दो, ठीक है। अभी तो वही आएगा पुराना वाला रिजल्ट, वन टू थ्री, सही है। और यहां पर मैंने प्लस प्लस लगा दिया, अब क्या आएगा, यहां पे फोर आएगा। हाँ, ये जो आगे आगे प्लस और पीछे पीछे प्लस लगा रहे हैं इसका मतलब है पोस्ट फिक्स और इसका मतलब है प्रीफिक्स। देखें, जब यहां पर पहुंचा था तो ए की वैल्यू वन थी, जब यहां पर आया तो ए की वैल्यू वन थी,
लेकिन जब कोड आगे गया तो उसने ए की वैल्यू में, मैंने लिखा है ना कितने प्लस कर दिए, वन, और ए की वैल्यू में वन प्लस करके इसकी वैल्यू को कर दिया टू। तो जब मैं बगैर प्लस प्लस के ए की वैल्यू का आउटपुट ले रहा था तो टू आ रहा था, और जब मैंने इसको प्रीफिक्स में प्लस प्लस लगाया तो इसने क्या किया पता है, यहां से टू लेकर आया और यहां पर आके फिर ये वाला काम कर दिया, ए की वैल्यू टू थी, टू में वन प्लस करके उसको क्या कर दिया थ्री, और थ्री करके उसका आउटपुट दिखा दिया। आउटपुट से पहले प्लस कर दिया, बात समझ में आई, आउटपुट से पहले प्लस कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है थ्री, और नीचे जाके फिर उसने वन प्लस कर दिया, कितनी हो गई, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है फोर। ओके अब याद रखना यहाँ आउटपुट में क्या आ रहा है फोर, और यहाँ पे इसने आउटपुट से पहले प्लस कर दिया था, है ना। ओके अब आपका एक और टेस्ट ले लेते, यहाँ पर प्लस प्लस लगा देंगे तो अब आउटपुट क्या आएगा, सिक्स राइट। ओके और कोई भी बोल सकता है तुम्हारे, वन वन टू थ्री फोर फाइव आउटपुट आना चाहिए, सही है, सिक्स तो नहीं आएगा ना, नहीं तो तुम बताओ ना, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से पता चलेगा ना, फाइव आएगा, क्या आया फर्क समझ में आया प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का, नहीं समझ में आया, जब आप आउटपुट ले रहे हैं यहां पे तो प्रीफिक्स पहले प्लस कर रहा है फिर आउटपुट दे रहा है, और जब यहां पे आउट ले रहे हैं तो पोस्टफिक्स पहले आउटपुट दे रहा है बाद में प्लस कर रहा है। आप बोलेंगे सर ये तो आपने ख्याली बात कर दी, कोई बात नहीं अभी प्रूफ कर देते हैं आपको, यही लाइन लेके मैंने अगली लाइन पे, जब यहां फोर आ रहा है तो यहां भी फोर ही आना चाहिए ना, यहां फाइव आएगा। समझ में आया प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स किस तरह से काम करता है, ठीक है ना, ये आपको समझवाना था, समझ में आ गई बात ये, चलो ठीक है।